सो फाइनली गाइस वी आर इन मॉरिशियस। कैसे लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade. Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. Kaise hai aap log? So, aaj ka din second, wo bhi Pondicherry mein. Aur aaj hum jaane wale hai ek aise jagah जो कि बहुत ही फेमस है ऑरोविले, बट वो फिक्स नहीं है अभी हमें वहाँ पे जाना है या फिर दूसरे और जाना है, बट अभी देखते हैं दोनों में से कोई तो चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल के मैं और सोनम दोनों में जा रहे हैं। तो ये भी व्लॉग बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, सो लगे रहो। सो ब्रेकफास्ट में है डोसा, पूरी, वड़ा, सांभर, ये दोनों सांभर है। आने का पौंडीचेरी में या फिर चेन्नई में, सो यहाँ पे बहुत गर्मी है ये सोच लेना, और उसी हिसाब से आप ड्रेसेस कपड़े जो भी आप लेकर आना। सो अभी हम जा रहे हैं स्कूटी से, स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं, बट अभी पता नहीं यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे 400 दे रहे हैं, 400 चार्जेस ले रहे हैं हमसे। और एक जगह पे मैंने कॉल किया था, सो वहाँ पे 300 है। सो मैं आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, और जहाँ से मुझे अच्छे प्राइस में मिलेगी आप भी वहीं से ले लेना। ठीक, एक बंदे को कॉल करते हैं जिसके पास स्कूटी है, और वो आने के बाद अपन डिसाइड करेंगे। अब तक ब्रेकफास्ट हो गया, अभी चाय पियेंगे मस्त गर्म गर्म, बहुत तलब हो गई चाय की। तो अभी रेडी हो चुके हैं, अभी विदाउट टाइम पास किए बगैर अपन निकलने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे रह रहे पेरिया मुडली चावड़ी, पूरा नहीं पढ़ने आया मुझे सच में, आई एम सॉरी। एक घंटा हम पैदल चल के आए चाय पीने के लिए, बिकॉज चाय नज़दीक में मिली नहीं। तो एक ये है द टी रोड बोल के, एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे किसी ने बोला हमें चाय मिलेगी, और रेस्टोरेंट भी बहुत सही दिख रहा है, वहाँ पे जापनीज में लिखा है ना। तो अभी देखते हैं अंदर हमें चाय मिलती या नहीं मिलती। सोनल मिलेगी हमें चाय? मिलेगी ना? मुझे लगा कोई सच में देख रहा है। चलो अभी अंदर जाते हैं और देखते चाय है या नहीं, होनी चाहिए चाय। अभी ऊपर जाना पड़ रहा है बार बार, और कितना ऊपर जाएंगे। चलो सो ये देख सकते हो आप, ये होटल जहाँ पे हमें चाय मिलने वाली है, जापनीज होटल है। तो गाइस आप देख सकते हो हमने ये स्कूटी रेंट पे ले ली है, उसका जो रेंट है वो है 400 रुपीज। बिकॉज सीन ऐसा हुआ है कि जो 300 रुपये रेंट वाली स्कूटी थी उसके लिए हमें जाना पड़ा, तो एक 5-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा था। तो हमने ये सोचा कि हम वो 400 रुपये वो देख कर ही ले लें। तो वही वहाँ पे जाने के लिए भी 100 रुपये लग ही जाते थे हमें, तो हमने यही ले लिया। और मैंने सुबह ही बोला आपको कि परेशानी देखो, गर्मी पसीना ऐसे बह रहा है, मतलब अगर कुछ काम किया रहता, हार्ड वर्क किया रहता और ऐसा पसीना आया रहता ना तो बहुत सही रहता था, बट कुना बिना कुछ काम किए घूमे रहे। चलो अभी ज़्यादा तंग करने से पहले आपको भी, ये स्कूटी हमने ली है रेड, सो निकलते अभी, इसको फ्यूल डालना पड़ेगा हमें, फ्यूल डालेंगे और कल्टी मारेंगे। Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die.
पार्किंग कर दी अपने बाइक 20 रुपीज़ पर स्कूटी का है। सो यहाँ पे हमने पका, यहाँ पे देखो बहुत सारे बाइक्स है, स्कूटीज है, तो यहाँ पे पाया पार्क कर दिया। अभी हम जाएंगे ऑरोविल के अंदर, जहाँ पे अभी रेसिडेंस में नहीं जा सकते, अभी पूछना पड़ेगा, जहाँ पे सभी फॉरेन, मतलब फॉरेन कंट्री वाले लोग जो ऑरोविल फेमस है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो रेसिडेंसी उनकी, तो वहाँ पे अभी देखते जाना है नहीं जाना है, पर जाना तो पड़ेगा। और पहले जाते विजिटर, वहाँ पे विजिटर बोल के एक है सेक्शन, तो वहाँ पे जाएंगे। सो लेट्स गो, 20 रुपीज़ कैश निकाल कर रखिए देने के। सो बेसिकली अभी हम यहाँ से अंदर जाने वाले मातृ मंदिर और विजिटर सेंटर के यहाँ पे, तो चलो आगे जाते। सो ये अपना रोड, पीसफुल माहौल लग रहा है, और यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हो लोगों का, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है यहाँ पे आना, विजिटर सेंटर यहाँ से आगे। कब हुआ था, पीपल फ्रॉम 124 डिफरेंट नेशनलिटीज़ ब्रिंग सैम्पल ऑफ सॉइल, जैसे कि 124 देशों से मिट्टी लाई थी अपने अपने कंट्री से, तो तभी इसका ऑरोविले का इनोग्रेशन हुआ था। कोई कंट्री नहीं है, ऑरोविले इज़ अ टाउन। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी के लिए। सो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर देशों से आए वाले लोग यहाँ पे हैं। सो इसको, इसके वजह से ह्यूमैनिटी कहते हैं, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे वीडियोस देखने हैं अच्छे से, और वहाँ से हमें एक फ्री पास मिलेगा, वो कलेक्ट करना है और मातृ मंदिर की ओर निकलना है। 1 किलोमीटर का वॉक है, बट आप वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर साइकिल से भी जा सकते हो, साइकिल भी है यहाँ पे। सो अभी हम एग्जीबिशन देखेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ लेना, और यहाँ पे बुक्स भी है, सो वो भी आप ले सकते हो, और उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये है मातृ मंदिर का स्ट्रक्चर, जो कि ऐसा दिखता है, और ओरिजिनली हम देखने जाने वाले हैं इसको। उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, तो उसका ये स्ट्रक्चर है ऐसा। उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है।
जहाँ पे फ्री पास कलेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे जा रहे हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन है। तो यहाँ पे फ्री पासेस कलेक्ट किया जाता है, तो अभी हम फ्री पासेस कलेक्ट करके जाएंगे मातृ मंदिर की ओर। इट्स अबाउट 1 किलोमीटर। दिस इज आवर फ्री पास कलेक्टर और अभी हम जाएंगे मातृ मंदिर व्यूइंग पॉइंट स्ट्रेट यहाँ से। एक गलती हो गई है ऑलरेडी, मैं मातृ बोल रहा हूँ, वो मातृ मंदिर ऐसा प्रोनाउंसिएशन है उसका, मातृ मंदिर। अभी जैसा प्रोनाउंसिएशन जिसका है वो वैसे उस हिसाब से वो प्रोनाउंस करेगा। यहाँ पे आपको ऐसे शॉप्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे कपड़ों की शॉप्स है, और जो रेजिडेंस में रहते लोग उन्होंने खुद ने बनाया वाला, ये जैसे कपड़े जो भी है हैंडलूम है पूरा, जो खुद बनाते हैं। जाने से पहले एक एक नींबू पानी जरूरी है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। This is the rental cycle here. You can pay and जा सकते हो 1 किलोमीटर तक, और उसके बाद आप होने के बाद आप साइकिल यहाँ पे आकर लगा दे सकते हो। At my backside, the beauty, the greenery which Auroville got, मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बाहर इतना गर्म मौसम और यहाँ पे चील, सुकून की सांस। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर है और उन सब की इंफॉर्मेशन एक जगह पे रख दिए, पढ़ सकते हो। जहाँ पे आपने टिकट लिया था वो यहाँ पे संभाल कर रखना है और यहाँ पे आकर उनके पास देना है, नहीं तो फिर से पंगे। मेरे पीछे देख सकते हो सोलार है। सो यहाँ पे एक सोलार किचन बोल के भी एक प्लेस है, नज़दीकी है, तो वहाँ पे खाना जैसे कि अपने यहाँ पे खाना गैस पे बनता है, चूल्हे पे बनता है, वहाँ पे सोलार पे बनता है, तो उसकी टेस्ट भी सही रहती है ऐसा मैंने सुना है। वेज रहता है, नॉन वेज भी रहता है, बट वो सब पकता है सोलार पे। तो यहाँ पे सोलार, और ये अपन ऑरोविले के अंदर जाने वाले हैं अभी। ऑरोविल थोड़ा सा नाम में प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गई, तो जस्ट हमने एंट्री कर दी है, बट मैं तहे दिल से यही कहना चाहूँगा, अ ग्रेट प्लेस टू विजिट। सच में एक अलग ही नशा है। यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं, मतलब ये पेड़ भी अलग तरीके से ही आए।
जल्दी बोर हो गया ना, अभी पानी पी लेते, फोटो निकालते निकालते थक गया, अभी पानी पीते। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए। चिल्ड वाटर है, फ्री में, वो भी आपको कहीं पे भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। ऑरोविले एक ऐसी रेजिडेंसी है जहाँ पे नो लॉ, नो पॉलिटिशियन, नो एनी रिलीजियन, नो एनी रेसिज्म, ये सब चीज़ें इस टाउन में है। तो यहाँ पे 60+ देशों के लोग एक्चुअल में रहते हैं, और सच में मतलब पीसफुल टाउन ही कह सकते हैं ना, टाउन सिटी पीसफुल है। उनके अलग से रेसिडेंसी, अलग से रेसिडेंसी बिठाई है इनकी। यहाँ पे लाल मिट्टी भी है, लाल मिट्टी पता नहीं क्यों है, और गोरे चिट्टे लोग भी है बहुत सारे, और क्योंकि नज़दीकी बीच भी है तो अभी शाम के टाइम पे अपन बीच पे जाने वाले थोड़ा सा और चिल करने के लिए। देख सकते हो डायलॉग है, वी रीच एट आवर डेस्टिनेशन। यस, बहुत सही है। थोड़ा सा कैमरा एंगल ऐसे घुमाता हूँ उसके पास, और उसके बाद अच्छे से शॉट लूँगा उसके, सिनेमैटिक शॉट, जो कि मैंने इसके पहले इंफॉर्मेशन आपको बताइए 124 देशों से मिट्टी लाई थी, क्या बनाया होगा और उसका स्ट्रक्चर भी बनाया वाला दिखाया था। सो बी रेडी गाइज, अपन जा रहे हैं वहाँ पे, मैं ये कैमरा घुमा रहा हूँ। सो आओ, आर यू रेडी? यस। नहीं हो तो रेडी हो जाओ। जोश इज वेरी हाई सर। सो दिस इज द प्लेस, ये है मात्रे मंदिर टेम्पल, उसके अंदर भी बहुत सारा है बट आई डोंट नो अंदर जाने देते हैं या नहीं। आगे जाने वाले फोटोज निकालने हैं हमें, थोड़ा आगे जाते, उसके अंदर जाना था यार बट पासेस नहीं हमारे पास, वो वन वीक पहले बुक, और उसका बुकिंग वन वीक पहले ही करना पड़ता है। हाँ सच में सही है, अच्छा लगा। ये इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो कि आपको उसके अंदर जाना हो तो, हाँ अगर आपको उसके अंदर जाना तो वन वीक पहले आपको टिकट बुक करके रखना पड़ेगा, ठीक है? तो रखो टिकट बुक करके। फिर से एक बार देख सकते हो आप मात्र मंदिर, और उसकी सभी इंफॉर्मेशन कब कैसे क्यों सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगी है। अगर आपको और भी जाननी है तो मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी पढ़ लो, बट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो भी मुझे पता थी मैंने वीडियो में बता दिए और यहाँ तक आपको लाया है, ठीक है? तो अगर आप आना चाहते हो तो ना डेफिनेटली आओ, क्योंकि आज का ऐसा दिन पहला है कि मैं बोर नहीं हुआ। जैसे कि मैं कहीं पे जाता हूँ 3-4 घंटे घूमता हूँ और चौथे घंटे में मैं बोर होता, तो अभी आगे का प्लान हमें पता नहीं। सोनल वॉकआउट कर रही है, पता नहीं क्यों मैं बात कर रहा हूँ वो वॉकआउट कर रही है। सो वील डिसाइड व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान, लगे रहो। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो बना है मातृ मंदिर वो 1400
गोल्ड को पिघला के, गोल्ड के स्टोन को पिघला के ये बनाया। तो ये बेसिकली गोल्डन है, गोल्डन टेंपल नहीं बट गोल्ड, गोल्ड को पिघला के बनाया। और कभी ट्राई मत करना चुराने का। गोल्डन गोला, गोल्डन गोला है वो, अंदर तो बहुत सही है बट गूगल कर लेना, क्योंकि हमने टिकट नहीं निकाला। आप नेक्स्ट टाइम आने आते हो तो एक हफ्ते पहले टिकट बुक करो, अंदर जाओ, फील ले लो, थोड़ा अभी हम रेस्ट करते। वन थिंग दैट आई वांट टेल यू, वॉशरूम जो है वो बहुत अच्छे से वेल मेंटेन है। बहुत सारे जगह पे वॉशरूम्स की थोड़ी सी दिक्कत रहती बट यहाँ पे ये जो वॉशरूम है वो बहुत ही वेल मेंटेन है। और इमली के पेड़ भी यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है। इमली का क्या दिखाऊं मैं, बहुत सारे पेड़ है। एक वो देखने के मातृ मंदिर में, मातृ मंदिर से आने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी छाव यहाँ पे है और ऐसे सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो अभी अभी क्या बाहर निकलना है हमें, तो थोड़ा बैठते रेस्ट करते और आगे का प्लान डिसाइड करते, कुछ खा लेते पहले और उसके बाद नेक्स्ट प्लान पे अपन खाएंगे। प्लान ऐसा है कि हम कुछ खाएंगे और उसके बाद देखेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट जाने का इरादा है बट खाना खाने के बाद वो सोचेंगे। था सोलार विलेज और सोलार पे कुकिंग होती है, तो उस प्लेस पे अभी हम आए और चलो अभी दिखा दे अंदर क्या क्या है। सो दिस इज द प्लेस और वहाँ पे जो भी सोलार पे मेनू बनता है वो मिलता है। अभी यहाँ खाए या ना खाए ये भी क्वेश्चन है। खाने का तो मुझे राइस है बट विल सी। ग्रेट प्लेस, सीरियस ग्रेट प्लेस। एक एग्जीबिशन है, बॉटिक लैबोटिक और विले, सो उसका दिखा दे पहले। वाव, हमने प्लान चेंज कर दिया। खाना वहाँ पे खाना था बट सोचा कि बाहर खाएंगे, वहाँ पे भी वैसे भी थोड़ा टाइम था बढ़ने को, सो हमने डिसाइड कर दिया बाहर। तो अभी हम पार्किंग में, पार्किंग से बाइक निकालेंगे, सॉरी स्कूटी निकालेंगे। अपने ये देखो अपनी स्कूटी यहाँ पे, तो स्कूटी निकालेंगे और बाहर जाएंगे, बाहर कुछ तो खाएंगे क्योंकि बहुत टाइम था यार वहाँ पे। सच में अभी तगड़े वाली भूख लगी, तुम्हें लगी भूख? तो तगड़े वाली भूख लगी, खाएंगे और निकलेंगे। ये देखो ना जावा, मैं ये सोच रहा था जावा लेने की बट नहीं ली। चलो निकल दे, अभी एक जगह पे रुके, लंच कर दे पहले, बहुत तगड़े वाली भूख लगी है। केले का पत्ता, हाँ दही लेके आना, दही।
आ गया सांड का फ्राइड राइस मशरूम हो चुका है। सांडप खा लिया हमें, सांडप नाम था चेक को पूरा थाली का। तो अभी निकलना है, अभी निकलते निकलना ही पड़ेगा। अभी हम आ गए बोटिंग हाउस में और उसका क्लोजिंग टाइम रहता है 4 बजे और अभी 4:10 हो गए। लास्ट बोट है जो हमारे अभी वेट कर रही है, अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो फिर वो भी चले जाएगी, फिर कल सुबह आना पड़ेगा। यहाँ पे पार्किंग का कितना था बोलो? पार्किंग का 30 रुपये था शायद। टू व्हीलर बहुत सारे पैसे खर्चा हो सकते आपके यहाँ पे। खाना है तो पैसे लेकर आओ, पार्किंग का फिर एंट्री फी पर पर्सन 350 रुपीज़, बोटिंग का है। तो अभी पहुँचने वाले हम, लास्ट बोट इज वेटिंग फॉर अस ऑन दिस साइड। देखो हमें ये बैक वाटर है, ये कौन सा बीच का बैक वाटर है? हाँ तो यहाँ पे अभी यार मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। पैराडाइज बीच का बैक वाटर और उसमें हमें बोटिंग करने वाले। So let's go, this is our boat. Yo. तो अपने ड्राइवर साहब भी आ गए, ये उनका बैठने की जगह। उसके बाजू में पैराडाइज बीच है और ये है उसका बैक वाटर, ये दोनों मिक्स नहीं होगा। तो हम नीचे उतरे, अभी सीन ऐसा है हम बोट से नीचे उतरे और बोट से हम आ गए पैराडाइज बीच। यहाँ पे हमें करना है टाइम स्पेंड 45 मिनट्स, ठीक है। सो अभी बजे 4:45, सो अभी हम यहाँ पे 45 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे। और ये बीच भी बहुत ही ज़्यादा सही है, पूरा हरा हरा पानी है और ये देखिए बीच। यो ये बोटिंग, चलो अभी वेलकम टू पैराडाइज बीच पे अपन शूट करते से अच्छा। ये सैंड देखिए और ये है अपना पैराडाइज बीच, दिस वन। फाइनली गाइस वी आर इन मॉरिशियस, कैसे लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत सही लग रहा है और ये जो फीलिंग है क्या बताऊँ।
कैसा सही सही माहौल है, सही मौसम है, मजा 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 ग्रेट। घेऊयात, घूम लिया पॅराडाईज बीच, मजा आया, आओ पक्का आओ। अभी घर पे जाते बट बैठ कर जाते, बोटिंग में बैठ कर ही जाते, ठीक है। सो नाउ वी आर लिविंग, बोट में बैठ कर ही जाना है वहाँ पे, वहाँ से फिर स्कूटी से आ गई। सो गाइस अभी पहुँच गए हम, शाम में हमें आना था यहाँ पे रॉक बीच पे, पर दोपहर में आए थे तो आज प्लान किया आज शाम को आए हम रॉक बीच पे, मस्त माहौल हुआ है। पांडिचेरी की मार्केट और पांडिचेरी की स्ट्रीट घूम लिया अच्छे से, और अभी हम जाने वाले डायरेक्टली अपने होटल पे, जहाँ पे हमने होटल का स्टे, मतलब जहाँ पे हम स्टे कर रहे वहाँ पे जा रहे। सो वहाँ पे जाकर देखते खाना वाना खाएंगे और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, तब तक फोटोशूट करेंगे। फाइनली गाइज हम पहुंच गए अपने रूम पे, अभी मस्त नहाते और इस वीडियो को एंड कर दिए पे। अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मुश्किलों से वीडियो बनाया है और अच्छा लगेगा आई होप। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कॉमेंट करना मत भूलना, ठीक है। बाय, गुड नाइट।